सारे इजी हो जाओ, सारे 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 इजी हो जाओ। फाइनल में आए थे, फाइनल में आए थे, फाइनल में क्या खाया? अच्छा अपने फाइनल में होगा ये सेटअप? हाँ अपने फाइनल में बिरयानी तो करवाएंगे। मतलब भाई बिरयानी तो होनी चाहिए यार। मैंने कहा कुछ चीज़ें हैं बैठो। नहीं बिरयानी सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए भाई, बिरयानी और वो भी ऐसी कड़क होनी चाहिए। उस दिन आप आए नहीं थे, बिलाल वाले में आए नहीं थे आप ना? नहीं इनके वजह को चूतिया आ रहा था, वो नबील था ना, नबील। फिर हमने उसके बाद फिर उन्होंने बाद में बिरयानी बांटी। हाँ हमने उसी से ना ठोसी से बिरयानी का खाए। हाँ क्या बांटी? जो बाद में उन्होंने बिरयानी दी ना। हाँ वो तो मेरे को तो देनी देनी थी उन्होंने। अच्छा तो मेरी फटे नहीं, हमने बोला था इनको, इसने बिलाल ने पहले हमें बोला, उसने कहा यार आप रुक जाओ, वो नबील खुद आ गया है तो वो खुद करेगा। हमने कहा देखो बता दो। फिर इसने जिस दिन मैच था ना उस दिन सुबह इसने कॉल करके बोला कि यार आप वो आएगा, नबील आएगा, आप नहीं आना। हमने कहा सही है, मर्जी की भाई आपकी, जो आपका बेहतर। क्योंकि इन उससे ना इनकी पैसे की बात हुई भी थी। अच्छा उसने मीडिया स्पॉन्सर करा था इनको, वो चला गया था मुल्तान। वजह ये है कि वो उससे पैसे लेने नहीं थे, मतलब पैसे देने नहीं थे उसको, उससे पैसे लेने थे, वैसे उससे करवा लिया उन्होंने। सही था बंदा, सही था। हाँ फिर बाहर मैं डर लगा, मैंने कहा बैठो स्टाफ को देगा नहीं बिरयानी, सारे गार्डो वार्डो को भटवाई। हाँ ना यार सुनाएंगे बातें यार। नहीं नहीं वो उनका हक बनता है, मैं नहीं हूँ तो देख हक बनता है उनका यार, वो इतनी मेहनत भाई इनका हक बनता है। मैं बोलता हूँ अब टूर्नामेंट खत्म हो ना, कम अज कम 100-200 इनका भी होता है, ये 100-200 रुपये एक्स्ट्रा इनको भी दे देना चाहिए कि यार चलो। हाँ तो पकड़ा पकड़ पकड़ के पूछे, मैंने कहा नदीम मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई। अभी कहाँ जा रहा हूँ? मैं यहाँ जा रहा हूँ बिरयानी लेने। बिरयानी लेने मेरे मैं बहुत तरसे में, मतलब दूर से इशारा कर रहा तुझको ही ढूंढता रहता है ओ बेचारा, बेचारा ये मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। Thank you.
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फोर्थ क्वार्टर फाइनल मैच मार्को और सुपर दड़ी के दरमियान अल-नादी अल-बुरहान क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। कराची कप का चौथा क्वार्टर फाइनल अच्छा शॉट था एक रन का और इजाफा मार्कोव के स्कोर में नासिर पहुंचे चार रन पे रन नॉट आउट है तीन रन पे मार्कोव सुपर डडी के दरमियान कराची कप सीजन टू का चौथा क्वार्टर फाइनल मैच अल-नादी अल-बुरहानी क्रिकेट ग्राउंड कराची में फ्लड लाइट में खेला जा रहा है। इत्यादि शानदार निपुतली बॉलिंग का मुजाहरा सुपर डडी के बॉलरों की जानिब से अब तक मार्को के बैट्समैन सिर्फ आठ रन बना सके हैं जबकि चौथे ओवर का खेल जारी है और एक विकेट का नुकसान उठाना पड़ा मार्को की टीम को और एक रन का और इजाफा मार्को के स्कोर में मार्को का स्कोर पहुंचा नौ रन पे एक विकेट के नुकसान पे नासिर नॉट आउट है चार रन पे जबकि इमरान ने चार रन बनाए वाइड बॉल स्टार्स में एक रन का और इजाफा होल्ड कर दिया शानदार और ब्रेक बॉल थी बिल्कुल नहीं समझ सके पढ़ने के बाद अंदर की जाने भाई और क्लीन बोल्ड हो गए और होल्ड कर दिया कोई और नुकसान आने वाले बैट्समैन उबैद चौथे ओवर का खेल जा भी मार्को का स्कोर 10 रन दो विकेट के नुकसान पे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उबर्ट बार पे आए गेंद की एक और अच्छी बॉल थी दिपाही अंदाज से खेलने पर मजबूर होना पड़ा पॉइंट पे खड़े हुए बिल्डर के हाथ में गेंद किसी रन का कोई इजाफा नहीं स्कोर बदस्तूर 10 रन दो विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर का खेल दिया भी जोरदार अपील मगर अंपायर का इशारा नॉट आउट और उसके साथ ही मोहम्मद जीशान का एक अच्छा और कामयाब ओवर इख्तिताम को पहुंचा जिसमें उन्होंने
मोहम्मद ईशान का एक अच्छा और कामयाब ओवर अख्ताम को पहुंचा जिसमें उन्होंने नासिर की विकेट हासिल की। चार ओवर के अख्ताम पे माफकोल का स्कोर 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। आमिर अच्छी बॉल थी आमिर की। इसको अलग की जाने खेल के एक बार हासिल किया इमरान ने। इमरान पहुंचे 5 रन पे। अब नए आने वाले बैट्समैन उबैद सामना करेंगे आमिर का। अच्छी बॉल एम्पायर का इशारा नॉट आउट। अच्छी बात पॉइंट की जाने खेल दिया। रन लेना चाहते थे उबैद मगर इमरान ने मना किया। स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। अब तक सुपर दड़ी के तमाम ही बॉलरों ने इंतहाई शानदार और नुपतीली बॉलिंग का मुजाहरा किया है। मार्कों के किसी भी बैट्समैन को आसानी के साथ आजादाना स्ट्रोक खेलने का कोई मौका फराहम नहीं किया। 5वें ओवर का खेल जारी है। मार्कों का स्कोर 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। आमिर गेंद कर रहा है उबैद को अच्छी बॉल थी। मिड ऑन की जानब खेल के एक रन हासिल किया उबैद ने। इसके एक रन के साथ उबैद ने अपने स्कोर का आगाज किया। उबैद पहुंचे एक रन पे। इमरान नॉट आउट है 5 रन पे। इमरान अब सामना करेंगे आमिर का। लेफ्ट आर्म बॉलर अच्छी बॉल थी। पढ़ने के बाद बाल की जानब निकली और इसके साथ ही आमिर का ओवर अख्ताम को पहुंचा। 5 ओवर के अख्ताम पे मालकोल का स्कोर 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। आमिर ने एक ओवर किया 5 रन दिए कोई विकेट हासिल ना कर सके। वन नॉट आउट है 5 रन पे जबकि उबैद ने एक रन बनाया। ऑल स्ट्राइक में एक रन का और इजाफा। मोहम्मद ईशान अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। अच्छी बॉल थी ईशान की।
एहसान एक बार फिर आए गेंद की एक और अच्छी बॉल पॉइंट की जाने खेल के रन लेना चाहते थे। अच्छी थ्रो किसी रन का कोई इजाफा नहीं इसको बदस्तूर 14 रन दो विकेटों को नुकसान पे। इमरान सामने कर रहा है मोहम्मद ईशान का की बार खेल दिया इस बॉल को ताकि खेलना चाहते थे महफूज तौर पर दो रन का और इजाफा माफ ओवर का स्कोर पहुंचा 16 रन पे। इमरान पहुंचे 7 रन पे। अपनी बाप एक बार फिर उठा के खेल दिया और फील्डर गेंद के नीचे और इस तरह ईशान मार्कोव की एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। इमरान जो जावाना अंदाज अख्तियार करना चाहते थे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे ईशान की बॉल पे कैच आउट हो गए पवेलियन वापस। सात रन पे अपनी बाप एक बार फिर उठा के खेल दिया और फील्डर गेंद के नीचे किए 11 रन दिए और 3 विकेट हासिल की 6 ओवर के अख्तितम पे। मार्को पिच बॉलिंग हुई भी है उस दिन भी परसों की बात है परसों भी यही था हाल परसों वाले मैच में भी यही हाल था। मॉस पर लगाए हां वरना खड़ा हूँ वरना नहीं वरना तो यहीं लेटे हुए होते। परसों भी यही हुआ कि रन ज्यादा दे दिए थे पहली टीम वालों ने दूसरी इनिंग में ऐसी बॉलिंग हुई थी। बॉलिंग की बात नहीं है पिच ही ऐसे आप पीछे तरफ जितनी पसी वो ब्रेक चार चार बहुत बहुत ब्रेक हो रहा है भाई स्पिन अच्छा हो रहा है। इस बॉल स्टार्ट में एक रन का और इजाफा मार्कोव का स्कोर हुआ 2 रन का इजाफा हुआ मार्कोव के स्कोर में। वाइट भाई के 2 रन हासिल हुए मार्कोव को। मार्कोव का स्कोर 18 रन 3 विकेटों को गुलाम सामना कर रहा कादिर का गुलाम मोहिद्दीन जबियाव कादिर आए बॉल की अच्छी बॉल थी रन की जाने खेल के एक रन हासिल किया
गुलाम कादिर ने, गुलाम मुहिद्दीन ने, लेफ्ट आर्म एक और अच्छी बॉल पड़ने के बाद अंदर बाल की जानिब निकली थी, पॉइंट की जानिब खेल के बड़ी आसानी के साथ उबैद ने एक रन हासिल किया। माफकोव का स्कोर पहुंचा 23 रन पे, 24 रन पे। बॉल थी और इसके साथ ही शहबियाब कादिर का एक अच्छा ओवर इख्तिताम को पहुंचा। शहबियाब कादिर ने एक ओवर किया, 8 रन दिए, कोई विकेट हासिल ना कर सके। 7 ओवर के इख्तिताम पे माफकोव का स्कोर 24 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे। खेल के बड़ी तेजी के साथ दोनों बैट्समैनों ने एक रन हासिल किया। थोड़ी सुस्ती दिखाई फील्डर ने गेंद को पिक करने में, इसका भरपूर फायदा उठाया दोनों बैट्समैनों ने। बड़ी तेजी के साथ एक रन हासिल किया, इस एक रन के इजाफे के साथ माफकोव का स्कोर 26 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे। 8वें ओवर का खेल जारी, बहुत अच्छी बॉल मगर बड़ी खूबसूरती के साथ एक बार मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। सिंगल हासिल करने का कोई भी मौका दोनों बैट्समैन हाथ से नहीं जाने दे रहे। आहिस्ता आहिस्ता माफकोव के स्कोर में इजाफा करते हुए सामने कर रहा है यूसुफ का, अच्छी बॉल थी, बिल्कुल नहीं समझ सके गेंद। बल्ले का भावी किनारा लिया और थर्ड मैन बाउंड्री पे 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, बिल्कुल नहीं समझ सके गेंद की जानिब खेल के एक रन हासिल कर लिया गुलाम मुहिद्दीन ने। माफकोव का स्कोर पहुंचा 32 रन पे। उबैद अब सामना करेंगे यूसुफ का, अच्छी बॉल थी, थर्ड मैन की जानिब निकाल दिया, जितनी अच्छी बॉल थी उतना ही खूबसूरती के साथ थर्ड मैन की।
बॉल सबियार कादिर की और इसके साथ ही सबियार कादिर का एक और अच्छा ओवर इख्तिताम को पहुंचा।
माफ कोर का स्कोर 48 रन 4 विकेट को नुकसान पे। 10 ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा जब याव कादिर अच्छी बॉल थी जब याव कादिर की बॉल सब याद का देगी बॉलर की जाने वापस ड्राइव कर दिया उबैद ने, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। जब याद का देव आप बड़ी खूबसूरती के साथ निकाल दिया थर्ड बॉन की जाने, फील्डर गेंद के पीछे एक रन बना, दूसरा रन बना और तीसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने, और चौथा रन भी बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। विकेट के दरमियान दौड़ने का इंतहाई शानदार मुजाहरा दोनों बैट्समैनों की जानिब से, तीसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने, और चौथा रन भी बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। विकेट के दरमियान दौड़ने का इंतहाई अब की बार खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री की जानिब, जब आप कादेव एक बार फिर गैप गेंद करेंगे रिजवान को और जोरदार तरीके से मिडॉन की जानिब खेलना चाहते थे कामयाब नहीं हुए, गेंद ने बल्ले का बाबी किनारा लिया थर्ड मैन की जानिब गई और एक रन का और इजाफा माकोव के स्कोर में। माकोव का स्कोर 55 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। 11वें ओवर का खेल जारी उबैद अब सामना करेंगे सब याब कादिर का। और बहुत खूबसूरत शॉट सब याब उबैद का, फील्डर गेंद के पीछे मगर गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और बहुत खूबसूरत शॉट सब याद उबैद का, सिंगल डबल वन लेने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते उबैद। उबैद पहुंचे 26 रन पे और इसके साथ ही सब याद कादिर का ओवर मुकम्मल हुआ। सब याद कादिर ने जब याब कादिर ने 3 ओवर किए 23 रन दिए कोई विकेट हासिल ना कर सके। 11 ओवर के अख्ताम पे माकोव का स्कोर 59 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। उबैद नॉट आउट है 26 रन पे जबकि रिजवान ने 3 रन बनाए। इस मौके पे माकोव की टीम को एक अच्छी और लंबी पार्टनरशिप की जरूरत है जबकि सुपर डैडी के बॉलर इंतहाई शानदार और निपित अली बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे। उबैद के अलावा माकोव का कोई भी बैट्समैन इतने आजादाना तरीके से सुपर डैडी के बॉलरों को नहीं खेल सका। और जोरदार शॉट उठता हुआ शॉट मगर महफूज
एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। इस एक रन के साथ इजाफे के साथ रिजवान पहुंचे चार रन पे। माफकोव का स्कोर 60 रन चार विकेटों के नुकसान पे। बारहवें ओवर का खेल जारी। अली अब गेंद करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उबैद को। अली मुफ्ती खूबसूरत शॉट इसको अलग बाउंड्री पे एम्पायर का इशारा। छह रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। खूबसूरत छक्का बैट्समैन उबैद को। अली मुफ्ती खूबसूरत शॉट वाइड बॉल एक्स्ट्राज में एक रन का इजाफा। उबैद किसी भी लूज बॉल के ऊपर शॉट खेलने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। सामना कर रहे हैं अली मुफ्ती का एक और जोरदार शॉट और उबैद आउट। मिड विकेट बाउंड्री पे खड़े हुए फील्डर ने उबैद का कैच लेने में कोई गलती नहीं की। उबैद जो इंतहाई शानदार और जावाना अंदाज में बैटिंग कर रहे थे 21 बॉलों पर 32 रन बनाने के बाद मिड विकेट पर खड़े हुए फील्डर के हाथों अली मुफ्ती की बॉल पर कैच आउट होगा। इस तरह माफकोव की टीम को पाँचवा नुकसान उठाना पड़ा। माफकोव का स्कोर 67 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। बारहवें ओवर का खेल जारी है। किसी भी लूज बॉल के ऊपर शॉट खेलने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। सामना कर रहे हैं अली मुफ्ती का एक और जोरदार शॉट और उबैद आउट। अली मुफ्ती दो विकेट हासिल करने में कामयाब है। पहले ओवर में भी अली मुफ्ती ने एक विकेट हासिल की और अपने दूसरे ओवर में भी एक विकेट हासिल करने में कामयाब है। अभी अली मुफ्ती का दूसरा ओवर जारी है। नए आने वाले बैट्समैन उजार अकबर अली मुफ्ती अब गेंद करेंगे नए आने वाले लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उजार अकबर को। अली मुफ्ती आए बॉल की अच्छी बॉल थी दिफाई अंदाज से खेल दिया। फील्डर मौजूद थे अष्ट कवर की जानब किसी रन का कोई इजाफा नहीं। अली मुफ्ती एक बार फिर खूबसूरत शॉट पॉइंट की जानब मगर फील्डर मौजूद किसी रन का कोई इजाफा नहीं। स्कोर में इंतहाई शानदार निपतली बॉलिंग का मुजावा चुप्पा दड़ी के बॉलरों की जानिब से। माफकोव के बैट्समैनों की भरपूर कोशिश है कि किसी न किसी तरह से ज़्यादा रन हासिल किए जाए। माफकोव की मजबूत बैटिंग लाइन को अभी तक चुप्पा दड़ी की बॉलिंग के खिलाफ खुल के शॉट खेलने का कोई मौका नहीं मिल सका।
शबियाब कादेव अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। शबियाब कादेव अपना चौथा और आखिरी ओवर करेंगे। इससे पहले शबियाब कादेव ने 3 ओवर में 23 रन दिए हैं, कोई विकेट हासिल ना कर सके। शबियाब कादेव अच्छी बॉल थी शबियाब कादेव की। किसी रन का कोई इजाफा नहीं, स्कोर बदस्तूर 68 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। 13 ओवर का खेल जारी, एक और अच्छी बॉल शबियाब कादेव की, वापस बॉलर की जानिब ड्राइव कर दिया। रिजर्व ने किसी रन का कोई इजाफा नहीं। शबियाब कादेव अब की बार खेलने में कामयाब हुए। मिड ऑन की जाने फील्डर मौजूद है, एक ही रन बन पाएगा, एक रन का और इजाफा। अच्छी थी वो थी मिड ऑन पे खड़े हुए फील्डर की जानब से, सिर्फ एक ही रन बन सका माफकोव के स्कोर में, एक रन का और इजाफा। माफकोव का स्कोर 69 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। उजाए पहुंचे 2 रन पे, विजवान नॉट आउट है 4 रन पे। विजवान अब सामने करेंगे शबियाब कादेव का। शबियाब कादेव अपना चौथा इनिंग का 13वां ओवर करते हुए, अच्छी बॉल थी शबियाब कादेव की, बाल बाल बच गए। बाप खेल दिया मिड ऑन की जाने, मिड ऑन पे खड़े हुए फील्डर ने कोई गलती नहीं की कैच लेने में, बीच बाउंड्री लाइन पे कैच लेके विजवान की इनिंग का खात्मा कर दिया। और इस तरह माफकोव को एक और नुकसान। बिलाकर शबियाब कादेव अपने चौथे और आखिरी ओवर में 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। आपको भी का स्कोर 69 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। 13वें ओवर का खेल जारी है। अब की बार खेल दिया मिड ऑन की जाने, मिड ऑन पे खड़े हुए फील्डर आने वाले बैट्समैन। अच्छी बॉल थी LBW की जोरदार अपील, मगर अंपायर का इशारा नॉट आउट। और इसके साथ ही शबियाब कादेव का एक अच्छा और कामयाब ओवर इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें उन्होंने विकेट हासिल की। शबियाब कादेव ने अपने 4 ओवर का कोटा मुकम्मल कर लिया। शबियाब कादेव ने 4 ओवर किए 24 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 12 ओवर के अख्ताम पे माफकोव का स्कोर 69 रन 6 विकेटों के नुकसान पे।
अच्छी बॉल थी, बड़ी खूबसूरती के साथ निकाल दिया इसको, इसको अलग की जानेब। एक रन का इजाफा, माकोव का बढ़ता हुआ स्कोर 51, 6 विकेटों के नुकसान पे 14वां ओवर का खेल जारी। अली एक बार फिर आए गेंद की, अच्छी बॉल थी अली की, मिड ऑन की जानिब खेल के एक रन हासिल किया उजैब ने, एक रन के इजाफे के साथ उजैब पहुंचे 4 रन पे। माकोव का स्कोर 72 रन, 6 विकेटों के नुकसान पे। एक और अच्छी बॉल मिड ऑन की जानिब खेल दिया, फील्डर मौजूद है कि वन बन पाएगा। एक रन का और इजाफा, माकोव का स्कोर पहुंचा 73 रन, 6 विकेटों के नुकसान पे 14वां ओवर का खेल जारी। उजैब अब सामना करेंगे अली का, एक और अच्छी बॉल थी। एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेल के एक रन और हासिल किया उजैब ने, माकोव का बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन, 6 विकेटों के नुकसान पे 14वां ओवर का खेल जारी। की बार विवश शॉट खेला, पॉइंट पे फील्डर मौजूद थे, एक ही रन बन पाया। अली इसके साथ ही अली मुफ्ती का ओवर मुकम्मल हुआ। अली मुफ्ती ने 3 ओवर किए, 23 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। 14 ओवर के अख्ताम पे माकोव का स्कोर 75 रन, 6 खिलाड़ी आउट। उजैर अकबर नॉट आउट है 5 रन पे, जबकि मोहम्मद काशान काशान अली ने 3 रन बनाए। यूसुफ अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे और बोल्ड कर दिया, बिल्कुल नहीं समझ सके कासान इस बॉल को। यूसुफ अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे और बोल्ड कर दिया, बोल्ड हो गए। इस तरह माकोव को एक और नुकसान, माकोव का स्कोर 75 रन, 7 विकेटों को नुकसान पे 15वें ओवर का खेल जारी। नए आने वाले बैट्समैन आदिल अली, आदिल अली सामना करेंगे यूसुफ का, अपनी
करते हैं यूसुफ भाई की पहली बॉल पे विकेट हासिल करने में कामयाब हुए यूसुफ। अच्छी बॉल थी यूसुफ की और बड़ी तेजी के साथ एक रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचते बड़ी आसानी तेजी के साथ एक रन हासिल कर लिया दोनों बैट्समैनों ने। एक रन के इजाफे के साथ माकोव का स्कोर हुआ 56 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। 15वें ओवर का खेल जारी। उजाब अब सामना करेंगे यूसुफ का। एक और अच्छी बॉल थर्ड मैन पे खड़े हुए इस दौरान एक रन हासिल कर लिया दोनों बैट्समैनों ने। आपको का बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। एक और अच्छी बॉल यूसुफ की और उसके साथ ही यूसुफ का एक अच्छा कामयाब ओवर अख्ताम को पहुंचा। यूसुफ ने 2 ओवर किए 15 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 15 ओवर के अख्ताम पे माकोव का स्कोर 58 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। उजाब नॉट आउट है 6 रन पे जबकि आदिल ने 1 रन बनाया है। पांच ओवर का खेल अब बाकी रह गया है। देखना यह है कि बाकी मांदा 5 ओवरों में माकोव के बैट्समैन किस रफ्तार के साथ रन बनाने में कामयाब होते हैं। अली मुफ्ती वाज में 1 रन का और इजाफा। अली मुफ्ती एक बार पे गेंद करेंगे उजैब को एक और वाइड बॉल। मुसलसल 2 वाइड बॉल है और 2 रन हासिल हुए माकोव की टीम को। एक और वाइड बॉल अली मुफ्ती अपना 4th और आखिरी ओवर करते हुए अब तक 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। अली मुफ्ती 26 रन दिए हैं। अब की बार खेल दिया इस बॉल को उसको अलग की जाने किसी फील्डर के लिए गेंद को रोकने का कोई मौका नहीं था और गेंद पलक झपकते में 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अब की बार खेल दिया इस बॉल को अच्छा शॉट उधर का कदमों का इस्तेमाल के भी इस्तेमाल आए और जोरदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन की जाने फेंक दिया 4 रन के लिए। एक और अच्छी बॉल अली मुफ्ती की पॉइंट की जानिब खेल दिया कोई कोशिश नहीं की दोनों बैट्समैनों ने रन लेने की। स्कोर बदस्तूर 85 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। 16वें ओवर का खेल जारी अली मुफ्ती एक बार फिर उजैब को खेलना चाहते थे कवर की जानिब अच्छी बॉल थी कामयाब नहीं हुए स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं।
को बदस्तूर 85 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। 16वां ओवर का खेल जावी अली मुफ्ती एक बार फिर और अब की बार इस बॉल को खेल दिया थर्ड मैन की जानेब, फील्डर गेंद के पीछे, गेंद की रफ्तार स्लो हो गई बाउंड्री तक पहुंचते थर्ड मैन पे खड़े हुए फील्डर की जानेब से। अब इस दौरान 3 रन हासिल करने में कामयाब हो गए दोनों बैट्समैन। फ्लाइटेड बॉल और खूबसूरत शॉट मिसफील्ड हुई। स्क्वायर लेग पे खड़े हुए फील्डर की जानेब से मिसफील्ड हुई जिसके नतीजे में 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। मार्कोव के अब दोनों बैट्समैनों ने सुपर डैडी के बॉलों के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता जवाना अंदाज इख्तियार करना शुरू कर दिया है। मार्कोव का बढ़ता हुआ स्कोर 16 ओवर के अख्ताम पर 92 रन 7 खिलाड़ी आउट और इसके साथ ही अली मुफ्ती का ओवर अख्ताम को पहुंचा। अली मुफ्ती ने 4 ओवर का कोटा मुकम्मल कर लिया। अली मुफ्ती ने 4 ओवर में 37 रन दिए और 2 विकेट हासिल की। आदिल नॉट आउट है 5 रन पे जबकि उजैर ने 13 रन बनाए। 4 ओवर का खेल अब बाकी रह गया है। इंतहाई शानदार बैटिंग और बॉलिंग का मुजाहरा कराची कप सीजन 2 के 4th क्वार्टर फाइनल में। आज जहाँ सुपर दर्डी के बॉलरों ने इंतहाई शानदार और निपतली बॉलिंग का मुजाहरा किया वहाँ मार्कोव के की मजबूत बैटिंग लाइनअप रन बनाने की जद्दोजहद में मसरूफ नजर आई जिन्होंने इंतहाई तबाह आजमा और तवील जद्दोजहद के बाद 16 ओवर में 92 रन बनाने में कामयाब हो गई। अगर मार्कोव की टीम 130 रन तक बनाने में कामयाब हो जाती है तो इस विकेट पर ये एक अच्छा टारगेट होगा। एक और अच्छी बॉल यूसुफ की, यूसुफ एक बार पे गेंद करेंगे उजैर को और अच्छा शॉट उजैर का मिड ऑफ बाउंड्री के ऊपर गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। मार्कोव के दोनों बैट्समैन को और अच्छा शॉट उजैर का मिड ऑफ बाउंड्री तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए इस चौके के साथ मार्कोव का स्कोर हुआ 96 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। 27वें ओवर का खेल जारी इस ओवर के बाद मजीद 3 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा। यूसुफ एक बार फिर गेंद करेंगे उजैर को लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। एक और अच्छी बॉल थी और बड़ा खूबसूरत तरीके से खेल दिया इसको लॉन्ग ऑन बाउंड्री की जानेब 1 रन बनाया दूसरा रन भी बड़ी यूसुफ एक बार फिर और अच्छी बॉल और खूबसूरत शॉट पॉइंट और गली के बीच में से 4 रन के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक दिया। किसी फील्डर के लिए गेंद को रोकने का कोई मौका नहीं था। पॉइंट और गली के बीच में से गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर और इसके साथ ही यूसुफ का ओवर इख्तिताम को पहुंचा। यूसुफ ने 3 ओवर किए 26 रन दिए और 1 विकेट हासिल की और इस चौके के साथ ही मार्कोव की इनिंग के 100 रन भी मुकम्मल हो गए। 17वें ओवर के अख्ताम पे मार्कोव का स्कोर 103 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। अब 3 ओवर का खेल बाकी रह गया है। अब देखना यह है कि बाकी मानदा 3 ओवर में मार्कोव के बैट्समैन किस रफ्तार से इजाफा करने में कामयाब होते हैं। मोहम्मद जीशान
गेंद करने के लिए आए जीशान अपना चौथा आखिरी ओवर करेंगे। जीशान ने इससे पहले 3 ओवर किए हैं, 11 रन दिए और 3 विकेट हासिल की। जहां एक तरफ सुपर दर्डी के बॉलरों ने इंतहाई शानदार और निपतली बॉलिंग का मुजाहरा किया, वहीं मार्कोव के बैट्समैनों ने इंतहाई पुरमाद बैटिंग करने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता मार्कोव के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए मार्कोव का स्कोर 103 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। दोनों बैट्समैन इंतहाई पुरमाद अंदाज में बैटिंग करते हुए, अगर मार्कोव की टीम 130 या उससे ऊपर स्कोर करने में कामयाब हो जाती है तो इस विकेट पे सुपर दर्डी के लिए स्कोर चेस करना इतना आसान नहीं होगा। और मिसफील्ड हुई जिसके नतीजे में 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, पॉइंट पे खड़े हुए फील्डर से मिसफील्ड हुई, कामयाब हो जाती है तो इस विकेट पे सुपर दर्डी के लिए स्कोर चेस करना इतना आसान नहीं होगा। खूबसूरत शॉट उजैब का, उजैब पहुंचे 24 रन पे। मोहम्मद ईशान एक बार फिर गेंद करेंगे उजैब को और एक बार फिर बड़ी खूबसूरती के साथ निकाल दिया इसको कवर की जाने, फील्डर मौजूद थे मगर बड़ी तेजी के साथ दोनों बैट्समैनों ने एक रन मुकम्मल किया और इस एक रन के इजाफे के साथ ही 19 बॉलों पर 33 रन की शानदार शराकत भी मुकम्मल हो गई दोनों बैट्समैनों के दरमियान। आदिल अली अब सामना करेंगे मोहम्मद ईशान का और एक और जोरदार शॉट, खूबसूरत ड्राइव, भरपूर और जानदार शॉट आदिल अली का मिड ऑन की जानेब, किसी फील्डर के लिए गेंद को रोकने का कोई मौका नहीं और गेंद पलक झपक। आदिल अली अब सामना करेंगे मोहम्मद ईशान का और एक और जोरदार शॉट, खूबसूरत ड्राइव, 4 रन के इजाफे के साथ मार्कोव का स्कोर 112 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। 18वें ओवर का खेल जारी है, मोहम्मद ईशान एक बार फिर आदिल को अच्छी बॉल थी पढ़ने के बाद अंदर आई, स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं, स्कोर बदस्तूर 112 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। मोहम्मद ईशान एक बार फिर गेंद करेंगे आदिल अली को, विवश खेलना चाहते थे कामयाब नहीं हुए, गेंद थर्ड मैन की जानिब गई फील्डर गेंद के पीछे, जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचते बड़ी आसानी के साथ दोनों बैट्समैनों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए। मार्कोव का तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 114 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। 18वें ओवर का खेल जारी, मोहम्मद ईशान एक बार फिर और अब की बार फिर मिड विकेट की जानिब खेलना चाहते थे कामयाब नहीं हुआ, अब इसके साथ ही मोहम्मद ईशान का ओवर मुकम्मल हुआ। मोहम्मद ईशान ने अपने 4 ओवर का कोटा मुकम्मल कर लिया, ईशान ने 4 ओवर किए 22 रन दिए और 3 विकेट हासिल की। 18वें ओवर के अख्तितम पे मार्कोव का स्कोर 114 रन 7 खिलाड़ी आउट, आदिल अली नॉट आउट ने 15 रन पे जबकि उजैब ने 25 रन बनाए। दोनों बैट्समैनों ने 8वीं विकेट की इंतहाई शानदार शराकत कायम की मार्कोव के लिए, मार्कोव को स्कोर को 114 रन तक पहुंचाने में कामयाब हुए। देखना यह कि बाकी मानदा 2 ओवर में मार्कोव के दोनों बैट्समैन कितने रन बनाने में कामयाब होते हैं। 12 बॉलों का खेल बाकी रह गया है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उजैब अब सामना करेंगे आमिर का। आमिर ने इससे पहले 3 ओवर किए, 5 रन दिए और कोई विकेट हासिल ना कर सके, इंतहाई शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया आमिर ने। 3 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए मगर कोई विकेट हासिल ना कर सके, अपना चौथा और आखिरी ओवर करने के लिए आए आमिर, लेफ्ट हैंडेड
लेफ्ट आर्म बॉलर बस शॉट उठता बस शॉट फील्ड अप गेंद के पीछे और कैच ड्रॉप हो गया। एक आसान कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे खड़े हुए फील्डर ने ड्रॉप कर दिया। उजैब का यकीनी तौर पर इंतहाई अहम कैच होगा ये, क्योंकि उजैब इस वक्त इंतहाई जवाना और बैटिंग कर रहे हैं। 27 रन पे नॉट आउट। आमिर एक बार फिर गेंद करेंगे, उजैब को अच्छा शॉट था उजैब का मिड ऑन की जानेब, मगर फील्डर मौजूद है और बड़ी तेजी के साथ दो ओवर मुकम्मल किए। थोड़ी सी सुस्ती दिखाई फील्डर ने गेंद को थ्रो करने में, इसका भरपूर फायदा उठाया उजैब और आदिल अली ने दो रन हासिल किए दोनों बैट्समैनों ने। दो रन के इजाफे के साथ मापकोव का बढ़ता हुआ स्कोर 158 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। अब की बार खेल दिया इस बॉल को एक्स्ट्रा कवर की जानेब, एक रन बना पर एक ही रन बन पाएगा। दोनों बैट्समैनों ने दूसरा रन लेने की कोई कोशिश नहीं की। इस एक रन के हिसाब के साथ मापकोव का स्कोर 119 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। 19वें ओवर का खेल जारी है, 8 बॉलों का खेल बाकी रह गया है। लेफ्ट आर्म बॉलर आमिर गेंद करेंगे आदिल अली को, राइट हैंडेड बैट्समैन आदिल अली 15 रन पर नॉट आउट। इंतहाई शानदार शिवागत कायम की है दोनों बैट्समैनों ने मापकोव के लिए 8वीं विकेट की। कवर की जानब खेल के बड़ी आसानी के साथ एक रन और हासिल किया आदिल अली ने। आदिल पहुंचे 16 रन पे, उजैब नॉट आउट है 30 रन पे। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उजैब सामने करेंगे लेफ्ट आर्म बॉलर आमिर का। अच्छी बॉल थी, बड़ी खूबसूरती के साथ निकाल दिया इसको पॉइंट की जानब, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते बड़ी आसानी के साथ एक रन हासिल किया उजैब ने। अब इसके साथ ही आमिर का ओवर अख्तिताम को पहुंचा। आमिर ने अपने 4 ओवर का कोटा मुकम्मल कर लिया। आमिर ने 4 ओवर किए, 12 रन दिए, कोई विकेट हासिल ना कर सके। 19 ओवर के अख्तिताम पे मार्कोव का स्कोर 121 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। एक ओवर का खेल बाकी रह गया है, अब देखना यह है कि आखिरी ओवर में दोनों बैट्समैन कितने रन बनाने में कामयाब होते हैं। पिछहत्तर रन पर 7वीं विकेट गिरने के बाद दोनों बैट्समैनों ने इंतहाई पुरमात बैटिंग की और मार्कोव के स्कोर को 121 रन तक ले जाने में कामयाब हो गए। एक ओवर का खेल बाकी रह गया है। आदिल अली नॉट आउट है 16 रन पे, जबकि उजैब ने 31 रन बनाए। अच्छी बॉल थी, लॉन्ग ऑन की जानिब खेल दिया, एक रन बना, दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ दोनों बैट्समैनों ने मुकम्मल किया। विकेटों के दरमियान दौड़ने का इंतहाई शानदार मुजावा दोनों बैट्समैनों की जानिब से। शहजाद वाइड बॉल, एक रन का और इजाफा, मार्कोव का तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 124 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। 5 बॉलों का खेल बाकी रह गया है।
शहजाद जुमानी राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर, अच्छी बॉल थी शहजाद जुमानी की और बड़ी तेजी के साथ दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। इंतहाई शानदार मुजाहरा विकेट के दरमियान दौड़ने का, माफ को का तेजी के और इसके साथ ही दोनों बैट्समैनों के दरमियान 50 रन की शराकत मुकम्मल हो गई। 31 बॉलों पर 51 रन की शानदार शराकत कायम की दोनों बैट्समैनों ने 8वीं विकेट के लिए। और उठता हुआ शॉट और जोरदार छक्का, उजैब का शानदार छक्का, उजैब का मिड विकेट बाउंड्री पे गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। मार्कोव का तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 132 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। और एक और अच्छा शॉट, उजैब का फील्डर गेंद के पीछे और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। दो बॉलों पे 10 रन हासिल करने में कामयाब हुए उजैब। इस चौके के साथ मार्कोव का तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 136 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। अभी मजीद 2 बॉलों का खेल बाकी, उजैब को अपने 50 रन मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 5 रन की जरूरत। 1 रन बनाओ, दूसरा रन भी बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। 1 बॉल का खेल बाकी रह गया है, उजैब को 3 रन दरकार अपनी शानदार निफ्टेंसी भी मुकम्मल करने के लिए। 32 बॉलों पे 47 रन बना के नॉट आउट दोनों बैट्समैनों ने। 8वीं विकेट के लिए 50 रन से ऊपर की शानदार पार्टनरशिप कायम की। 3 रन दबका उजैब को, जोरदार शॉट उजैब का, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े मगर रन आउट हो गए आदिल। दोनों बैट्समैनों ने इंतहाई शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया 8वीं विकेट के लिए। मार्कोव के लिए 8वीं विकेट के लिए इंतहाई शानदार शराकत कायम की। मार्कोव का स्कोर 139 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। 140 रन का अदब दिया मार्कोव ने सुपर डैडी को। सुपर डैडी के लिए स्कोर इस विकेट पे चेस करना इतना आसान नहीं होगा। इंतहाई शानदार पार्टनरशिप कायम की उजैब और आदिल ने 8वीं विकेट के लिए। 75 रन पर 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद दोनों बैट्समैनों ने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ पुरइत्माद बैटिंग करी और अपनी टीम के स्कोर को 139 रन तक पहुंचाने में कामयाब हुए। इंतहाई शानदार बैटिंग का मुजाहरा उजैब और आदिल अली की जानिब से। मार्कोव का स्कोर 139 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। क्रांति कप सीजन 2 का 4th क्वार्टर फाइनल मार्कोव सुपर डैडी की टीमों के दरमियान अल नादी अल बुरहान क्रिकेट ग्राउंड में फ्लड लाइट में खेला जा रहा है। आज के मैच में मार्कोव की टीम ने पहले बैटिंग की और मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाए। इस तरह सुपर डैडी की टीम को 140 रन का हदफ दिया। मार्कोव की तरफ से उजैर अकबर 33 बॉलों पर 48 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उनकी इनिंग में 4 चौके और 1 छक्का शामिल था जबकि उबैद ने 22 बॉलों पर 32 रन की इनिंग खेली। उनकी इनिंग में भी 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। आदिल अली 11 बॉलों पर 16 रन बनाने के बाद आउट हुए। उनकी इनिंग में 3 चौके शामिल थे जबकि गुलाम मुहिद्दीन ने 14 बॉलों पर 14 रन बनाए। उनकी इनिंग में 2 चौके शामिल थे। मार्कोव की पहली विकेट 2 रन पर गिरी, नबील आउट हुए। दूसरी विकेट 10 रन पर नासिर, तीसरी विकेट 16 रन पर इमरान खान आउट हुए, चौथी विकेट 47 रन पर गुलाम मुहिद्दीन, पाँचवीं विकेट 67 रन पर उबैद, छठी विकेट 69 रन पर रिजवान साबिर, सातवीं विकेट 75 पे काशान अली, जबकि 8वीं विकेट 139 रन पे गिरी आदिल अली आउट हुए। इंतहाई शानदार पार्टनरशिप 8वीं विकेट के लिए आदिल अली
उजैर अकबर के दरमियान हुई, जिसने मावकोर का स्कोर 139 रन तक पहुंचाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। दोनों बैट्समैनों ने इंतहाई शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक अल नादी अल बुरान क्रिकेट ग्राउंड कराची। तुपादाड़ी को पहला नुकसान, उमर आउट होने के बाद पवेलियन वापस, दूसरे ओवर का खेल जारी। सुपर दाड़ी का स्कोर 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। नए आने वाले बैट्समैन उमर शाहिद, और एक और अच्छी बॉल, अच्छी बॉल थी विजवान साबिर की, बिल्कुल नहीं समझ सके। और उसके साथ ही रिजवान साबिर का एक अच्छा और कामयाब ओवर अख्तितम को पहुंचा। रिजवान साबिर ने 1 ओवर किया, 9 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। 2 ओवर के अख्तितम पे सुपर दाड़ी का स्कोर 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अरम लतीफ ने डाउट 9 रन पे, जबकि सरियाल कादिर ने अभी अपने स्कोर का आगाज नहीं किया। अरम लतीफ अब सामने करेंगे एक और अच्छी बॉल, गली में खड़े हुए फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, इस दौरान 1 रन हासिल किया। अब हम लतीफ पहुंचे 10 रन पे। मुमताज अब गेंद करेंगे शहरयार कादिर को, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शहरयार कादिर। लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर मुमताज गेंद कवर शहरयार कादिर को। 30 ओवर का खेल जारी। सुपर दाड़ी का स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। मुमताज एक बार फिर राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर, मिड ऑन की जानब खेल के रन लेना चाहते थे, फील्डर मौजूद थे, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 30 ओवर का खेल जारी है। मुमताज गेंद का रन शहरयार कादिर को। मुमताज दौड़ना शुरू किया आए गेंद की शहरयार कादिर को, कवर की जानब खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर बदस्तूर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 30 ओवर का खेल जारी है। 104 बॉलों पर मजीद 126 रन तक का सुपर दाड़ी की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। मुमताज अब की बार कामयाब हुए एक्स्ट्रा कवर की जाने फील्डर गेंद के पीछे, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, बड़ी आसानी के साथ दोनों बैट्समैनों ने 2 रन मुकम्मल किए। 2 रन के साथ शहरयार कादिर ने अपने स्कोर का आगाज किया। शहरयार पहुंचे 2 रन पे। सुपर दाड़ी का स्कोर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 30 ओवर का खेल जारी है।
मुमताज अब गेंद करेंगे एक बार फिर शहज़ाद कादिर को, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर गेंद कर रहा है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शहज़ाद कादिर को, और उठता हुआ शॉट किसी फील्डर के लिए, गेंद को भागने का कोई मौका नहीं, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे गेंद पलक झपकते में 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, खूबसूरत शॉट शहज़ाद कादिर का लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर गेंद कर रहा है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शहज़ाद कादिर को, और उठता हुआ शॉट किसी फील्डर के लिए, गेंद को भागने का कोई मौका नहीं, 4 रन के इजाफे के साथ सुपर 30 का स्कोर पहुंचा 20 रन पे, और उसके साथ ही 3 ओवर का खेल अख्ताम को पहुंचा, 3 ओवर के अख्ताम पे सुपर 30 का स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे, मुमताज ने 2 ओवर किए 11 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। एक से 2 बॉलों पे अब मजीद 120 रन दरकार है सुपर 30 की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। दोनों तरफ से बैटिंग और बॉलिंग का शानदार मुजाहरा, रिजवान साहब अब अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, आए गेंद की अच्छी बॉल थी रिजवान की, बड़ी खूबसूरती के साथ निकाल दिया इसको थर्ड मैन की जाने, फील्डर मौजूद थे, 1 ही रन बन पाएगा 1 रन के साथ, अब हम पहुंचे 11 रन पे सुपर 30 का स्कोर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 4th ओवर का खेल जारी है, जब यार का देव अब सामना करेंगे राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर रिजवान साबिर का, रिजवान साबिर अच्छी बॉल थी, लॉन्ग ऑन की जानेब जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे शहज़ाद कादिर, कामयाब ने हुए गेंद सीधा विकेट कीपर के ग्लव में, स्कोर बदस्तूर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 4th ओवर का खेल जारी है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर रिजवान साबिर, गेंद का लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शहज़ाद कादिर को, आए गेंद की अच्छी बॉल मगर एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, पड़ने के बाद थोड़ा बाहर की जानेब निकली, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, एक्स्ट्राज में 1 रन का और इजाफा, सुपर 30 का स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 4th ओवर का खेल जारी है, दोनों टीमें इंतहाई मजबूत और मुतवाजन, 99 बॉलों पर 119 रन दरकार सुपर 30 को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए, अब की बार खेलने में कामयाब हुए मिड ऑन की जाने, फील्डर मौजूद है सिर्फ 1 ही रन बन पाएगा, 1 रन के इजाफे के साथ सुपर 30 का स्कोर पहुंचा 22 रन पे, 4th ओवर का खेल जारी, रिजवान साबिर अब गेंद करेंगे अवम को, रिजवान साबिर आए बॉल की और उठता हुआ शॉट मगर महफूज, मिड विकेट बाउंड्री पे खड़े हुए फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, इस दौरान 1 रन और हासिल किया, अब हमने अब हम पहुंचे 12 रन पे सुपर 30 का स्कोर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 97 बॉलों पे मजीद 117 रन दरकार सुपर 30 की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए, 4th ओवर का खेल जारी है, रिजवान साबिर अब गेंद करेंगे शहज़ाद कादिर को, रिजवान साबिर आए बॉल की और एक बार फिर जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे,
कामयाब नहीं हुए, गेंद सीधा विकेट कीपर के ग्लव में, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। सुपर थर्टी का स्कोर बदस्तूर 23 रन एक विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर का खेल जा भी आपकी बाव निकाल दिया थर्ड मैन की जानेब शहजाद कादिर ने, बड़ी तेजी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। और इसके साथ ही विजवान साहब का ओवर मुकम्मल हुआ। विजवान साहब ने दो ओवर किए 52 रन दिए ओवर एक विकेट हासिल की। चार ओवर के अख्ताम पे सुपर थर्टी का स्कोर 25 रन एक विकेट के नुकसान पे। शहजाद कादिर नॉट आउट है 7 रन पे, जबकि अब हमने 12 रन बनाए। छियानवे बॉलों पर मजीद 115 रन दरकार सुपर थर्टी की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। इंतहाई दिलचस्प और मुकाबला क्रांति कप सीजन 2 का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच सुपर थर्टी और मावकोव की टीमों के दरमियान अल नादी अल बुवानी क्रिकेट ग्राउंड में फ्लड लाइट में खेला जा रहा है। आज के मैच में मावकोव की टीम ने पहले बैटिंग कर टॉस जीत के पहले बैटिंग की और मुकाबला 20 ओवर में 139 रन बनाए, जबकि उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए। सुपर थर्टी की टीम को 140 रन का हदफ दिया। 140 रन के हदफ के ताकुब में सुपर थर्टी की बैटिंग का सिलसिला जारी है। अच्छी बॉल थी, एक ही रन बन पाए का इशारा 4 रन। गेंद ने बल्ले का बावी किनारा लिया और हदफ के ताकुब में सुपर थर्टी की बैटिंग का सिलसिला जारी है। अच्छी बॉल थी, 4 रन के इजाफे के साथ सुपर थर्टी का बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन एक विकेट के नुकसान पे। मुमताज अपना 30वां ओवर करते हुए लेफ्ट आर्म बॉलर मुमताज एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेल के एक रन और हासिल किया। अब हम पहुंचे 17 रन पे। सुपर थर्टी का स्कोर 30 रन एक विकेट के नुकसान पे। 5वें ओवर का खेल जारी है। मुमताज गेंद का शहजाद कादिर को खूबसूरत शॉट शहजाद कादिर का मिड ऑन बाउंड्री पे। किसी फील्डर के लिए गेंद को रोकने का कोई मौका नहीं। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। इंतहा शानदार शॉट मिड ऑन बाउंड्री पे शहजाद कादिर का। मुमताज गेंद का शहजाद कादिर को खूबसूरत शॉट शहजाद कादिर का अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे शहजाद कादिर का, मगर फील्डर मौजूद। अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे खड़े हुए फील्डर की जानिब से एक ही रन बन पाया। यकीनी चौका बचाया मिड ऑन बाउंड्री पे खड़े हुए फील्डर ने। इस एक रन के इजाफे के साथ शहजाद पहुंचे 52 रन पे। सुपर थर्टी का स्कोर 35 रन एक विकेट के नुकसान पे। 5वें ओवर का खेल जारी। 92 बॉलों पर 105 रन दरकार सुपर थर्टी को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। अच्छी बॉल थी, यॉर्क करने की कोशिश की मुमताज ने। स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं।
तू पता नहीं इसको बदस तू 35 रन एक विकेट के नुकसान पे। मुमताज अब तक 3 अशाबिया 2 अशाबिया 5 ओवर में 21 रन दे चुका है। और बोल्ड कर दिया जोरदार तरीके से लॉन्ग ऑन की जाने गेंद को खेलना चाहते थे, अब हम कामयाब नहीं हुए। क्लीन बॉल हो गए सब मुमताज की इस बॉल पे। इस तरह मुमताज अपने 30 ओवर में एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। 30 ओवर में विकेट हासिल करने में कामयाब हुए मुमताज ने 3 ओवर किए 21 रन दिए और एक विकेट हासिल की। 5 ओवर के अख्ताम पे सुपर डैडी का स्कोर 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। अब 90 बॉलों पर मजीद 105 रन दरकार हैं सुपर डैडी की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। आज अब तक 3 अशाबिया 2 अशाबिया 5 ओवर में 21 रन दे चुके हैं। और बोल्ड कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक अन्ना दी एल बुरान क्रिकेट ग्राउंड। और नबील की इस बॉल को निकाल दिया थर्ड मैन बाउंड्री की जानेब 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा। वाइट बाई के 5 रन हासिल हुए सुपर दर्डी को। छठे ओवर का खेल जा भी
शॉट से अब का देखा इसको अलग बाउंड्री पे चार रन के लिए गए बाउंड्री लाइन से बाहर। व्हाइट बॉल एक्स्ट्राज में एक रन का और इजाफा। चुपचाड़ी का बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन और बोल्ड कर दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया नबीन ने चवियाव कादिर को। इस तरह सुपर धाड़ी को 30वां नुकसान उठाना पड़ा। सुपर धाड़ी का स्कोर 45 रन, 3 विकेटों को नुकसान पे। चौथे ओवर का खेल जारी है। नबील इंतहाई अहम और कीमती विकेट हासिल करने में कामयाब हुए जब उन्होंने चवियाव कादिर को क्लीन बोल्ड किया। चुपचाड़ी का बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन और बोल्ड कर दिया। 16 बॉलों पर 16 रन बनाने के बाद आउट हुए। इस तरह चुपचाड़ी को 30वां नुकसान। चुपचाड़ी का स्कोर 45 रन, 3 विकेटों को नुकसान पे। नए आने वाले बैट्समैन मोहम्मद अरशद, सामना करेंगे नबील का। नबील अपना पहला ओवर का है, अब तक 10 रन दे चुके हैं और एक विकेट हासिल करने में कामयाब है। अपने पहले ओवर की आखिरी बॉल करेंगे मोहम्मद अरशद को। अच्छी बॉल थी, पॉइंट की जानिब खेल दिया और इसके साथ ही नबील का एक अच्छा कामयाब ओवर अख्तिताम को पहुंचा। नबील ने एक ओवर किया, 10 रन दिए और एक विकेट हासिल की। 6 ओवर के अख्ताम पे सुपर धाड़ी का स्कोर 45 रन, 3 विकेटों को नुकसान पे। चौरासी बॉलों पर मजीद 95 रन दरकार सुपर धाड़ी की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए, जबकि उसकी अभी मजीद 7 विकेटें बाकी हैं। अच्छी बॉल थी मगर एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। एक्स्ट्राज में एक रन का और इजाफा। सबजील चौधरी वाइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर और थर्ड मैन की जानिब गेंद गई। फील्डर मौजूद, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। हेलो,
वेलकम बैक अल्लादी अल भवान क्रिकेट ग्राउंड। अच्छा कवर ड्राइव, एक रन का इजाफा सुपर थर्टी के स्कोर में। 7 ओवर के अख्ताम पे सुपर थर्टी का बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे। वेलकम बैक अल्नादी अल भवान क्रिकेट ग्राउंड। आठ ओवर के अख्ताम पे सुपर थर्टी का स्कोर 52 रन, 3 विकेटों को नुकसान पे। एस्टा कवर की जानिब खेल दिया इस बॉल को, एक रन का और इजाफा। ज्यादा दूर नहीं गई थी गेंद, मगर बड़ी तेजी के साथ दोनों बैट्समैनों ने एक रन मुकम्मल किया।
शब्दील चौधरी आपकी बाब एक्स्ट्रा कवर की जानब खेला, एक रन और हासिल हुआ। शब्दील अब गेंद करेंगे रेहान को, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, अब की बार इस बॉल को खेल दिया मिड ऑन की जाने, वह फील्डर गेंद को रोकने में नाकाम है, गेंद चार रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। थोड़ा आगे पड़ी हुई इस बॉल का भरपूर फायदा उठाया, थोड़ी शॉर्ट बॉल थी, भरपूर फायदा उठाया इस बॉल का रेहान ने और चार रन हासिल किए। राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, अब की बार इस बॉल को खेल दिया जबजील, एक बार फिर गेंद करेंगे रेहान को, अब की बार निकाल दिया इस बॉल को स्क्वायर लेग की जानब, लेग बिफोर की अपील थी मगर एम्पायर का इशारा गेंद बल्ले से लगी है, एक रन का और इजाफा। सुपर थर्टी के स्कोर में 9 ओवर के अख्ताम पे सुपर थर्टी का स्कोर 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अब सत पहुंचे 4 रन पे जबकि रेहान नॉट आउट है 9 रन पे। शब्दील चौधरी ने 2 ओवर किए 11 रन दिए, कोई विकेट हासिल ना कर सके। 9 ओवर के अख्ताम पे सुपर डैडी का स्कोर 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। बॉल थी गुलाम की, मिड ऑन की जानिब खेल दिया, बड़ी तेजी के साथ दोनों बैट्समैनों ने 2 रन मुकम्मल किए। फील्डर ने थोड़ी सी सुस्ती दिखाई गेंद तक पहुंचने में जिसका भरपूर फायदा उठाया दोनों बैट्समैनों ने, बड़ी तेजी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। 2 रन के इजाफे के साथ सुपर थर्टी का स्कोर पहुंचा 62 रन पे। 10वें ओवर का खेल था अभी, अच्छी बॉल थी, बैक फुट पे जाके इस बॉल को खेल दिया मिड ऑन की जानेब, एक रन का और इजाफा। सुपर थर्टी का स्कोर 63 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। कवर की जानिब खेल के एक रन और हासिल किया, वो कौन है भाई ये?
कि बाप उठता हुआ शॉट और शानदार कैच लिया गया आउट, इंतहाई शानदार कैच लिया मिड ऑन पे खड़े हुए फील्डर ने। कि बाप उठता हुआ शॉट और शानदार कैच लिया गया, सुपर दाढ़ी को 14 नुकसान उठाना पड़ा। गुलाम मुहिद्दीन अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। सुपर दाढ़ी का स्कोर 64 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। 10वें ओवर का खेल जारी। इकसठ बॉलों पर मजीद 56 रन दरकार सुपर दाढ़ी को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। इंतहाई शानदार और दिलचस्प मुकाबला, चौथा क्वार्टर फाइनल मैच क्रांति कप सीजन 2 का सुपर दाढ़ी और मार्कोव की टीमों के दरमियान। अल्नादी अल्बुवानी क्रिकेट ग्राउंड क्रांति में फ्लड लाइट में खेला जा रहा है। कि बाप उठता हुआ शॉट और शानदार कैच लिया गया। रहमान रहीम वेलकम बैक अल्नादी अल्बुवान क्रिकेट ग्राउंड। और इसके साथ ही गुलाम मुहिद्दीन का एक अच्छा और कामयाब ओवर अख्तितम को पहुंचा। गुलाम मुहिद्दीन ने एक ओवर किया 5 रन दिए और एक विकेट हासिल की। दस ओवर के अख्ताम पे सुपर दाढ़ी का स्कोर 65 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। 60 बॉलों पर मजीद 75 रन दरकार सुपर दाढ़ी को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। इंतहाई शानदार और ड्रामाई सूरत हाल इस मैच में आती जा रही है।
जबरदस्त और सनसनी खेज मुकाबला चौथा क्वार्टर फाइनल क्वांची कप सीजन टू का अल्लादियल भवानी क्रिकेट ग्राउंड में फ्लड लाइट में खेला जा रहा है। बॉलिंग में तब्दीली अच्छी बॉल थी उजाब की। बिलाकिब अपने पहले ही ओवर में विकेट आ कॉट ब्रांड की जोरदार अपील थी और अंपायर ने आउट करवा दी। कौन सुपर डैडी का स्कोर 66 रन 5 विकेटों को नुकसान पे। नए आने वाले बैट्समैन अदील मंसा उजैब अपने पहले ओवर में विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। सुपर डैडी का स्कोर 66 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। 11वें ओवर का खेल जारी। अच्छी बॉल थी लेग बिफोर की जोरदार अपील अभी तक अपील कर रहे उजैब मगर अंपायर का इशारा नॉट आउट। नुकसान पे 11वें ओवर का खेल जारी। अच्छी बॉल थी लेग बिफोर की जोरदार अपील अभी तक अपील कर एक और अच्छी बॉल उजैब की पढ़ने के बाद बाव की जानिब निकली बिल्कुल नहीं समझ सके इस बॉल को और इसके साथ ही उजैब का इंतहा शानदार और कामयाब ओवर अख्ताम को पहुंचा। उजैब अकबर ने एक ओवर किया एक रन दिया और एक विकेट हासिल की इंतहा शानदार और कामयाब ओवर उजैब अकबर का। इससे पहले उजैब अकबर ने बैटिंग करते हुए 33 बॉलों पर 48 रन की शानदार इनिंग खेली थी। अपने पहले ओवर में उजैब अकबर विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। ग्यारह ओवर के अख्ताम पे सुपर डैडी का स्कोर 66 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। 54 बॉलों पर मजीद 74 रन दरकार सुपर डैडी को उस मैच में कामयाबी हासिल करने और सेमीफाइनल मैच में क्वालिफाई करने के लिए जबकि उसकी अभी मजीद 5 विकेटें बाकी हैं।
गुलाम मोहिद्दीन अच्छी बॉल थी गुलाम मोहिद्दीन की और इंतहाई शानदार फील्डिंग का मुजावत हैशटैग मिड ऑन पे खड़े हुए फील्डर की जानिब से। स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं। चार एक तरफ सुपर दर्डी के बैट्समैन रन के लिए जिद्दोजहद करते हुए वहीं अच्छी बॉल थी गुलाम मोहिद्दीन की। एक ही रन बन पाएगा मिड ऑन पे फील्डर मौजूद। जहाँ एक तरफ सुपर दर्डी के बैट्समैन रन के उसूल के लिए जिद्दोजहद करते हुए वहीं दूसरी तरफ मावकोव के बॉलर विकेट हासिल करने की जिद्दोजहद में मसरूफ। गुलाम मोहिद्दीन अच्छी बॉल थी गुलाम की बड़ी आसानी के साथ मिड ऑन की जानिब खेल के एक रन हासिल किया। आदिल मंसा ने एक रन के साथ अपने स्कोर का आगाज किया। आदिल मंसा पहुंचे एक रन पे सुपर दर्डी का स्कोर 68 रन बैट्समैनों ने मुकम्मल किया। बाबा ओवर के अख्तितम पे सुपर दर्डी का स्कोर 72 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। एक और अच्छी बॉल उजैब की मगर मिसफील्ड हुई। इसके नतीजे में 4 रन हासिल हुए सुपर दर्डी को। सुपर दर्डी का बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। 13 ओवर का खेल जारी। सुपर दर्डी को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए 64 रन जबकि मावकोव को 4 विकेट दरकार। उजैब एक बार फिर एक और अच्छी बॉल उजैब की इंतहाई शानदार बॉलिंग का मुजाहरा उजैब की जानिब से। एक रन मुकम्मल कर लिया दोनों बैट्समैनों ने। अब की बार खेलने में कामयाब हुए मिड ऑन की जानिब लॉन्ग ऑन की जानिब। एक रन का और इजाफा। सुपर दर्डी का बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। और इसके साथ ही उजैब का एक और अच्छा और कामयाब ओवर अख्तितम को पहुंचा।
उजैर अकबर ने दो ओवर किए, 6 रन दिए और 2 विकेट हासिल की। बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी उजैर अकबर की शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी। इससे पहले मार्कोर की तरफ से उजैर अकबर ने बैटिंग करते हुए 33 बॉलों पर 48 रन की शानदार इनिंग खेली थी, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। बैटिंग के बाद अब बॉलिंग में भी उजैर अकबर ने 2 ओवर किए, 6 रन दिए और 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। बाब इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए मिड ऑन की जानिब। 1 ही रन बन पाएगा, 1 रन का बड़ी आसानी के साथ रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। एक बार फिर भाई गेंद की उठता हुआ शॉट और आउट। सुपर थर्टी को एक और नुकसान उठाना पड़ा। मतलब एक बार फिर भाई गेंद की उठता हुआ शॉट और आउट। अब स्क्वायर लेग पे खड़े हुए फील्डर के हाथों कैच आउट होने के बाद पवेलियन वापस। नबील एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। सुपर थर्टी का स्कोर 81, 7 विकेटों के नुकसान पे। नबील अपना 30वां। नए आने वाले बैट्समैन दानिश अहमद। बैटरी बंद हो गई।
अच्छी बॉल थी नबील की। के साथ ही नबील का ओवर इख्तिताम को पहुंचा। नबील ने तीन ओवर किए, 17 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए पाकिस्तान पे। शाबान रसूल नॉट आउट है 4 रन पे, जबकि दानिश अहमद ने 1 रन बनाया है। 14 ओवर के अख्तितम पे सुपर डैडी का स्कोर 81 रन 7 विकेटों के नुकसान पे।
मान रहीम वेलकम बैक अल नादियल भवानी क्रिकेट ग्राउंड रांची। अच्छी बॉल थी जावक भाई की। स्क्वाड लग की जानब खेल के एक रन हासिल किया। सुपर डैडी का स्कोर 82 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। 15 ओवर का खेल जारी है। और अब की बार कामयाब हुए लॉन्ग ऑन की जानब खेलने में। एक रन का और इजाफा। टिप्पा दाड़ी का बढ़ता हुआ स्कोर 83 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। उजार अकबर और बड़ी खूबसूरती के साथ इस गेंद को निकाल दिया पॉइंट की जानब। फील्डर मौजूद एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। टिप्पा दाड़ी का बढ़ता हुआ स्कोर 84 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। और क्रीज से बाहर निकले उड़ता हुआ शॉट मगर महफूज एक रन बना। दूसरा रन भी बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। मिड ऑन पे खड़े हुए फील्डर की तेज थ्रो साथ मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। बैट्समैन को लगी विकेटों के दरमियान दौड़ने का इंतहाई शानदार मुजाहरा। और अब की बार जोरदार तरीके से खेल दिया इसको एक्स्ट्रा कवर की जानेब और बहुत तेजी के साथ एक रन मुकम्मल किया। इंतहाई पवित्र बैटिंग का मुजाहरा शाहम की जानेब से। शाहम वसूल दानिश अहमद तुपदड़ी के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए और इसके साथ ही उजैर अकबर का ओवर इख्तिताम को पहुंचा। उजैर अकबर ने 3 ओवर किए 52 रन दिए 2 विकेट हासिल की। 15 ओवर के इख्तिताम पे तुपदड़ी का स्कोर 87 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। 30 बॉलों में मजीद 53 रन दरकार। इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला रांची कप सीजन 2 का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल। हु विल विन दोनों बैट्समैन अब तक इंतहाई जिम्मेदारी के साथ चुप्पा दाड़ी के स्कोर को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हुए। मावकोव के लिए भी 8वीं विकेट की पार्टनरशिप कायम की थी उजैर अकबर। और आदिल अली ने जबकि 75 रन पर मावकोव की 7 विकेटें गिर चुकी थी। अच्छी बॉल थी नबील की। नबील एक बार फिर क्रीज से बाहर निकले और स्टंप हो गए।
स्टम्प कर दिया विकेट कीपर ने, पलक झपकते में नबील इंतहाई अहम मौके पर विकेट। अच्छी बॉल थी नबील की। नबील एक बार फिर क्रीज से बाहर निकले और स्टम्प हो गए। इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला मावको व सुपर दर्डी की टीमों के दरमियान। अली मुफ्ती बैटिंग करने के लिए आए एक ऐसे मौके पर जब मावको की टीम को रन की ज़रूरत है। अली मुफ्ती मावको की टीम के इंतहाई मुस्तनद और जावाना बैट्समैनों में उनका शुमार किया जाता है। साहब हम वसूल के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए आए अली मुफ्ती। अब देखना यह है कि अली मुफ्ती किस तरह स्कोप को आगे बढ़ाते हैं और गेंद थर्ड मैन की जानिब जा रही है फील्डर गेंद के पीछे, मगर गेंद की रफ्तार काफी तेज थी। फील्डर की रफ्तार से गेंद पलक झपकते में बाउंड्री लाइन पार कर गई। अली मुफ्ती ने आते के साथ ही अपने अजाइम जाहिर किए। अली मुफ्ती इंतहाई जवाना मिजाज बैट्समैनों में उनका शुमार किया जाता है। मुतअद्दिद मौक़ों पर एक अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब रहे। सामना कर रहे हैं राइट आर्म लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक बॉलर नबील का वाइड बॉल, एक्स्ट्राज में एक रन का और इजाफा। इस मौके पर अगर अली मुफ्ती एक अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हो जाते हैं तो कोई वजह नहीं कि सुपर थर्टी की टीम ये मैच जीतने में कामयाब हो जाए। एक अच्छी बॉल, मगर अली मुफ्ती ने इसको दिफाई अंदाज से खेल दिया। फील्डर मौजूद, स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं। नबील एक बार फिर तैयार हुए गेंद करेंगे अली मुफ्ती को। नबील आए बॉल की, अच्छी बॉल थी, बड़ा इत्मीनान के साथ इसको पॉइंट की जानिब खेल दिया। कोई रन लेने की कोई कोशिश नहीं की अली मुफ्ती ने। नबील एक बार फिर गेंद करेंगे अली मुफ्ती को और अब की बार उठा के खेल दिया अली मुफ्ती ने। किसी फील्डर के लिए गेंद को रोकने का कोई मौका नहीं। गेंद पलक झपकते में चार रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अली मुफ्ती इस ओवर में दो चौके लगाने में कामयाब है।
अच्छी बॉल थी, अच्छे तरीके से इसको खेल दिया पॉइंट की जाने, मगर इतनी अच्छी फील्डिंग की पॉइंट पे खड़े हुए फील्डर ने कि स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं। आप खेल दिया और शानदार कैच ले लिया लॉन्ग बाउंड पे खड़े हुए फील्डर ने, इंतहाई शानदार कैच लॉन्ग बाउंड पे खड़े हुए फील्डर की जानिब से। आप खेल दिया और शानदार कैच ले लिया लॉन्ग बाउंड पे, इस तरह सुपर दाड़ी को एक और नुकसान क्वार्टर फाइनल, मावको और सुपर दाड़ी की टीमों के दरमियान अल्लादी अल्बुहान क्रिकेट ग्राउंड क्रांची में फ्लड लाइट में खेला जा रहा है। अच्छी बॉल थी, मिड ऑन पे खड़े हुए फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में एक रन का और इजाफा। तबजील चौधरी अपना तीसरा ओवर करते हुए, अच्छी बॉल थी, लेग बिफोर की जोरदार अपील, जोरदार तरीके से अली मुफ्ती गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब खेलना चाहते थे, जोरदार अपील हुई बॉलर की जानिब से, एम्पायर का इशारा नॉट आउट। खेला बॉलर की जाने भी स्ट्रेट ड्राइव खेला, मोहम्मद जीशान ने गेंद सीधा बॉलर के पांव पर जाके लगी, स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं।
रिजवान साबिर जिनका मोहम्मद जीशान को वाइट आर्म मीडियम पेस बॉलर खाता तेज शॉट था मोहम्मद जीशान का। अपनी गेंद को खुद ही फील्ड करना चाहते थे, गेंद उनके पांव पे आगे लगी। जीशान एक बार फिर सामना करेंगे रिजवान साबिर का। इस बॉल को खेल दिया थर्ड मैन की जानेब, बड़ी आसानी के साथ एक रन मुकम्मल किया। अली मुफ्ती अब आ गए रिजवान साबिर के सामने। रिजवान साबिर अब गेंद करेंगे अली मुफ्ती को। अच्छी बॉल थी मगर अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, वाइड बॉल। एक्स्ट्राज में एक रन का और इजाफा। रिजवान साबिर एक बार फिर तैयार हुए गेंद करेंगे अली मुफ्ती को, वाइट आर्म मीडियम पेस बॉलर। और अब की बार इस गेंद को निकाल दिया अली मुफ्ती ने पॉइंट और गली के बीच में से, बड़ी आसानी के साथ एक रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। रिजवान साबिर गेंद करेंगे मोहम्मद जीशान को। और जीशान ने इस बॉल को खेल दिया कवर की जाने, छह रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। रिजवान साबिर गेंद करेंगे मोहम्मद जीशान को। और जीशान ने इस बॉल को खेल दिया अच्छी बॉल थी, बड़ी तेजी के साथ जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं बड़ी तेजी के साथ दोनों बैट्समैनों ने एक रन मुकम्मल कर लिया। तो पैदाड़ी के स्कोर में एक रन का और इजाफा। इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मैच मावको व सुपैदाड़ी की टीमों के दरमियान अल नादी अल बुरहान क्रिकेट ग्राउंड में जारी है। रिजवान साबिर और अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, नॉट आउट। गेंद अंपायर का इशारा, गेंद पैड से लगी थी, नॉट आउट। और इसके साथ ही रिजवान साबिर का ओवर मुकम्मल हुआ। रिजवान साबिर ने 3 ओवर किए, 22 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। उजैर अकबर और
उड़ता हुआ शॉट मगर महफूज शॉट था। एक रन का इजाफा सुपर डैडी के स्कोर में। उजैर अकबर अपना चौथा और आखिरी ओवर करने के लिए आए, गेंद करेंगे अली मुफ्ती को। अच्छी बॉल थी उजैर की, पढ़ने के बाद बाव की जानब निकली। अली मुफ्ती पॉइंट की जानब खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। उजैर अकबर फिर और जोरदार अपील लग बिफोर की, एक रन बना अब एक ही रन बन पाएगा फील्डर गेंद के नीचे। मोहम्मद ईशान अब सामना करेंगे उजैर अकबर का। अब की बार इस बॉल को खेल दिया पॉइंट की जानेब, स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं। पॉइंट पे खड़े हुए फील्डर की अच्छी फील्डिंग। उजैर अकबर फिर गेंद करेंगे मोहम्मद ईशान को, अब बोल्ड कर दिया, बोल्ड कर दिया उजैर अकबर ने मोहम्मद ईशान को। और इसके साथ ही सुपर डैडी की इनिंग अख्तिताम को पहुंची। इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद मावकोल की टीम ने सुपर डैडी को शिकस्त देकर फाइनल मोबाइल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे क्रांति कप सीजन 2 कप ये मैच जो आज मावकोब और सुपर डैडी की टीमों के दरमियान अल्लादी अल बुहानी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। मावकोब की टीम ने इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद सुपर डैडी की टीम को इस मैच में शिकस्त देकर सेमीफाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया। आज के मैच के मैन ऑफ द मैच बजा तौर पर उजैर अकबर। जिन्होंने अपनी टीम को फतेह दिलाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। उजैर ने पहले 33 बॉलों पर 48 रन नॉट आउट की इंतहाई शानदार इनिंग खेली। उसके बाद उजैर अकबर ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेट भी हासिल की। इसके साथ ही यूनाइटेड विजन को अल नादी अल भवानी क्रिकेट ग्राउंड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।